किसानों को सुरक्षित छिड़काव के प्रति जागरूक करने और साथ ही उनकी आय बढ़ाने के लिए रूट्स फाउंडेशन संस्था की ओर से सहयोग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आदित्य प्रताप, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जितेंद्र मेहता, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर आशीष पाल, मनोज सिंह, संस्था के फाउंडर ऋत्विक बहुगुणा विशेष तौर पर मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान किसानों को परियोजना में बूम स्प्रेयर को कुशल छिड़काव उपकरण उपलब्ध करवाया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आदित्य प्रताप ने किसानों से जुड़ी अलग अलग स्कीमों के बारे में जानकारी दी और साथ ही सुरक्षित तकनीक के साथ छिड़काव के बारे में भी बताया, ताकि छिड़काव के दौरान होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। वहीं सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जितेंद्र मेहता ने भी छिड़काव की तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संस्था के फाउंडर ऋत्विक बहुगुणा ने बताया कि उनकी संस्था की ओर से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा के चुनिंदा जिलों में 5000 से अधिक किसान और आवेदक अप्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे, जिन्हें इस उपकरण के लाभों से अवगत कराया जाएगा। परियोजना सहयोग किसानों को कम ऋषि रसायन संबंधी स्वास्थ्य खतरों को समाप्त करने और मिट्टी और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के बारे में है। उन्होंने आगे कहा, परियोजना का उद्देश्य इन किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। वहीं इस मौके पर दुष्यंत सूद और मनोज भंडारी के प्रतिनिधित्व वाले पीआई इंडस्ट्री भी मौजूद थे। ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया था। आज जो हमने ये पहल स्टार्ट की है, एक छोटी पहल है जो हम पीआई फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद रूट फाउंडेशन के साथ में कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में किसानों को जागरूक कर रहे हैं स्प्रे तकनीक के ऊपर, कैसे बेहतर स्प्रे तकनीकी को इस्तेमाल करके आप अपने एनवायरनमेंट की, जो हम आज के दिन बात करते हैं, बिकॉज आपने देखा है कि अलग अलग तरह से किसान आज के दिन स्प्रे करते हैं और जिसमें कई बार लीकेज की समस्या, एक्सेस केमिकल का यूज़, तो एक्सपोजर टू सॉयल है, एक्सपोजर टू ह्यूमन हेल्थ है, तो उन चीज़ों पे एक काम करके एक स्प्रे टेक्नोलॉजी है, नई तकनीकी मार्केट में आज के दिन उपलब्ध हैं, तो ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने किसान भाइयों को, जैसे दुष्यंत साहब ने बताया कि 45 मशीनें हम लोग हरियाणा में उपलब्ध करा रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाने वाली सुविधा है। इस सुविधा के साथ में हम उनको तकनीकी सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। समय समय पर हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो उन लोगों को विजिट कराएंगे, वो उन लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इसको ट्रैक्टर पे माउंट करना है, किस तरह से आपको प्रेशर मेंटेन करना है, किस तरह से पानी का इस्तेमाल करना है, क्या स्पीड ट्रैक्टर की होनी चाहिए। तो ये समय समय पे ये तकनीकी जानकारियां भी किसान को दी जाएंगी, ताकि आने वाले समय में किसान इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। ये जब हमने ये पहल स्टार्ट की थी तो इसमें दो सोच के साथ हमने ये पहल को, पीआई इंडस्ट्रीज़ में मार्केटिंग हेड के रूप में कार्यरत हूँ, आज हम यहाँ पीआई फाउंडेशन के तत्वाधान में रूट्स फाउंडेशन के कोलैबोरेशन के साथ हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं किसानों को बूम स्प्रेयर उपलब्ध कराने के लिए। उद्देश्य यह है कि कैसे किसान सुरक्षित रूप से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकें। आधुनिक तकनीक आजकल मार्केट में लॉन्च हो रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो कैसे सुनिश्चित करें कि जो उसका इस्तेमाल है वो पूरा सही तरीके से हो, टारगेटेड एप्लीकेशन हो, सही मात्रा में, सही वाटर वॉल्यूम के साथ, सही अवस्था में दवाई का छिड़काव हो सके, वातावरण के लिए कोई प्रदूषण ना फैले, एप्लीकेटर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो इस उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कहाँ कहाँ आपका जागरूक कर चुके हम लोग? ये पीआई फाउंडेशन की पहली पहल है हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा और पंजाब राज्यों में। पंजाब और हरियाणा राज्यों में, जैसे मैंने कहा, हरियाणा में हम लगभग 45 किसानों को ये मशीनें बूम स्प्रेयर अवेलेबल करा रहे हैं, और इसी तरह का प्रोग्राम हम पंजाब में भी कर रहे हैं। शो नाम? मेरा नाम दुष्यंत सूद।